हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। एक क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट हैं और उन सब की एज यहां पे डिफाइन कर रखी है। फर्स्ट स्टूडेंट की 14 है, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, इस तरीके से। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस ऑफ बींग चूजन एंड द एज एक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। यहाँ पे रेंडमली क्या करना है आपको, एक बच्चा निकालना है क्लास से और उसकी एज को क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंडम वेरिएबल एक्स, तो रेंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है, मीन बताना है, वेरियंस बताना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सारी चीजें होगी, घबराने की जरूरत नहीं, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं साथ में। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को चुटकियों में। इसके लिए हमें करनी पड़ेगी एक टेबल रेडी अपनी, कोई बात नहीं भाई कर लेते हैं। x की वैल्यू देखो हमारी कौन कौन सी है, कहां से स्टार्ट होके 14 से लेके मैक्सिमम कहां तक जा रही है भाई, 21 तक। तो यहां पे वैल्यू ले लेते हैं हम 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। सारी वैल्यू ले ली या नहीं ले ली, क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे देखो 14 जो है टू स्टूडेंट्स की एज है, देखो ध्यान से 14 टू स्टूडेंट्स की है, 20 भी दे रखी है थ्री स्टूडेंट्स की। तो इस तरीके से हमें क्या करनी पड़ेगी, इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी, उसको हम एफ से मान लेते हैं या एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। अब यहाँ पे 14 एज कितने स्टूडेंट्स की है, टू की है। 15 एज कितने स्टूडेंट्स की है, एक ही स्टूडेंट है, देख लेना इसमें से का नंबर काउंट कर लेंगे। 16 कितने हैं, 16 टू स्टूडेंट है, एक एरा एक एरा। 17 कितने हैं, 17 भी मेरे थ्री स्टूडेंट हैं। 18 कितने, 18 हमारा एक ही स्टूडेंट है। 19 एज वाले टू स्टूडेंट हैं, 20 वाले थ्री हैं और 21 वाला एक ही स्टूडेंट है। सबकी फ्रीक्वेंसी लिख ली हमने कि कौन कौन सी एज के कितने स्टूडेंट हैं। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, बिल्कुल आसान है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 15। 14 एज के कितने स्टूडेंट्स हैं, टू। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिलेक्ट होने की, 2/15। इसकी 1/15, इसकी 2/15, इसकी 3/15, इसकी 1/15, इसकी 2/15। जितने बच्चे होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, 3/15 और लास्ट वाले की 1/15। सबकी प्रोबेबिलिटी लिख ली हमने, क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लिखना, थोड़ा सा स्पेस देके सामने आ जाए, कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। फिर हमें क्या निकालना है, एक्स पी एक्स निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें इसकी इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन चाहिए। 2/15 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28/15। 15/15 आ जाएगा ये, फिर 16 टू जा 32/15 आ जाएगा, 17 थ्री जा 51/15 आएगा, 18 वन जा 18/51 आएगा, 19 टू जा 38/15 आएगा, 23 जा 60/15 आएगा और फिर 21 वन जा 21/15 आएगा। भाई कुछ चीज मिसिंग नहीं रहनी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए। सम के लिए आप क्या करो, न्यूमरेटर का सम कर लो बस। नीचे तो 15 है हमारा, बेस में तो 15 रहेगा, न्यूमरेटर का सम देख लेते हैं एक बार। तो ये कितना आ गया मेरा ऊपर न्यूमरेटर में सम, 263। दे इनका सम 263/15 हो गया। 263 को 15 से डिवाइड कर लो भाई, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, मैं डिवाइड करके देख लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 17.53। ये क्या आ गया मेरे पास, मीन आ गया, लिख भी दो मीन आ गया भाई, मीन आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस भी निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहां पे एक्स स्क्वायर की पी एक्स से मल्टीप्लीकेशन चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में यूज होती है। एक्स स्क्वायर एक्स यहां पे है मेरा, 14 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करूंगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 की 2 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 392। तो 392/15, 15 का 225 की 15 से करके, इससे 1/15 से करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 225/15। यहां पे 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512/15 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 867/15 आ गया। 18 का स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 324 आता है, तो 324/15 आ गया। 19 का स्क्वायर करके 2 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 722 आ गया बाय 15। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 1200/15 आ गया।
21 का स्क्वायर करके 1 से करेंगे तो मेरे पास 441 होता है, तो 441 बाय 15 आ गया भाई। इसका भी सम निकाल लेते हैं हम, इन सभी का सम करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन सभी का सम देख लेता हूं एक बार। मेरे पास सम आ गया इसका 4683 डिवाइड बाय, सबके नीचे डिवाइड बाय 15 है तो 15 आ गया, वैल्यू आ गई। इसको भी कैलकुलेट करना चाहो यहीं पे कैलकुलेट कर लो, ये कितनी आ जाएगी मेरे पास 312.20। अब फॉर्मूला आ जाओ यहां पे, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस में समेशन यहां पे एक्स पी एक्स इज कंप्लीट का स्क्वायर, जो पिछले क्वेश्चन में किया था सिंपल है। यहां पे एक्स स्क्वायर पी एक्स इसका सम कितना है बच्चों हमारे पास 312.20 माइनस में एक्स पी एक्स क्या आया था हमारा मीन, ये रहा 17.53, तो 17.53 का हम क्या कर लेंगे यहां पे स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरे पास 312.20 माइनस में 17.53 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गई मेरे पास 307.30। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको तो देखते हैं क्या आता है, तो ये मेरे पास आ गया 4.9, बुक में 4.89 भी हो सकता है ऐसे, ठीक है ये राउंड ऑफ हो जाएगा क्योंकि यहां पे 5 से बड़ी डिजिट है, इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो एक इंक्रीज हो जाएगा, 4.9 के इक्वल है, कहीं ये लिखने लग जाओ सर आंसर गलत। अब इसका हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा यहां पे अंडर रूट 4.9 का रूट देखते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2.21, ये आंसर हो गया मेरा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं थी, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।